आज हम बात करते हैं कि रेडिएशन की डिफरेंट टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, जैसे कि 3D CRT, IFRT और IGRT। 3D CRT का मतलब होता है कन्फॉर्मल रेडिएशन, IFRT का होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी, और IGRT का मतलब होता है इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा जानना है। कन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी जो होती है उसमें जो एरिया हम ट्रीट करते हैं तो वो एरिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। IMRT में उस एरिया को स्लाइस बाय स्लाइस, मतलब कि अगर बॉडी का हम 10 सेंटीमीटर एरिया ट्रीट कर रहे हैं तो जो हम लोग स्लाइस थिकनेस लेते हैं वो 2 मिलीमीटर की होती है, मतलब जो CT स्कैन की जो हम इमेजिंग करते हैं उसकी स्लाइस जो होती है 2 से 3 मिलीमीटर की होती है। तो उसमें हर जो चीज़ होती है, हर स्लाइस जो होती है उस पर जो एरिया हमें ट्रीट करना होता है और जो एरिया हमें बचाना होता है उसको हम बनाते हैं। तो जब हम इसको हम बोलते हैं कि हम जो एरिया हम ट्रीट करना चाहते हैं उसे हम कंटूरिंग बोलते हैं, जो एरिया हम बचाना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं कि जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेव करना। तो कन्फॉर्मल रेडिएशन में ये वाला काम जो 3D CRT होती है एक्चुअली उसमें ये काम थोड़ा कम होता है। IMRT में स्लाइस बाय स्लाइस करके इस काम को किया जाता है। इमेज गाइडेंस पे क्या होता है, IGRT में IMRT तो करते ही है, विद IMRT वी ऐड इमेजिंग, इट इज IG IMRT, मतलब इमेजिंग के साथ ऐड करते हैं। अब इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं तो जो हमारा शरीर है उसमें इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस ट्रीटमेंट से पहले बनाई जाती है, लेकिन पेशेंट वैसे का वैसे तो नहीं लेटता, उसमें कुछ थोड़ा बहुत टिश्यूज में चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम सिर या फिर गर्दन का कोई हिस्सा ट्रीट कर रहे हैं, ब्रेस्ट ट्रीट कर रहे हैं, या अगर ब्रेस्ट का साइज, तो उसमें मूवमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर ब्रेस्ट का साइज बहुत बड़ा है तो मूवमेंट थोड़ा टिश्यूज में ज्यादा हो जाता है, या फिर जैसे लंग है, लिवर है, जिनमें ऑर्गन मूवमेंट ज्यादा होता है उसमें इमेज गाइडेंस का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है, या फिर जैसे सर्विक्स के पेशेंट हैं या प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, जहां पर जो ऑर्गन है उसकी पोजिशन डिपेंड करती है कि हमने आसपास के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, जैसे कि ब्लैडर की पोजिशन क्या है या फिर रेक्टम की पोजिशन क्या है, उसमें इमेज गाइडेंस का बहुत रोल होता है। मतलब बेसिकली यही है कि इमेज गाइडेंस में हम ट्रीटमेंट से पहले एक इमेजिंग लेते हैं, इमेजिंग लेने के बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट में मूवमेंट कितना है, जितना मूवमेंट होता है उसके हिसाब से मूवमेंट को ठीक करके फिर पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो इसको बोलते हैं IGRT। तो ये किसी भी मशीन से कर सकते हैं, और जिसमें जिस तरह से, मतलब ये बेसिक टेक्निक्स होती हैं रेडिएशन की, किस मशीन से कर रहे हैं ये अलग बात होती है।